हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बीए पार्ट वन सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सैन्य अध्ययन। बीए पार्ट वन सेकेंड सेमेस्टर का सैन्य अध्ययन देखेंगे बच्चों। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हुए हैं हम आज इस वीडियो में। तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो सीरियल वाइज सीरियल वीडियो आप देखते रहिए और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। क्या है वो जो है एग्जाम में पूछना ही पूछना है। तो इतना रट्टा मार लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा आप लोग, और जितने सब्जेक्टिव आप लोग पढ़े हुए हैं उसी पे ये ऑब्जेक्टिव है, अलग से कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा सब्जेक्टिव का, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तुरंत याद हो जाएगा और तुरंत आप लोग कर दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी है, एग्जाम में पूछना ही पूछना है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है देखना जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है ध्यान देते हैं और सब्जेक्टिव छोड़कर ऑब्जेक्टिव पर ही ज़्यादा मार्क्स जो है तुरंत देखते हैं और बस मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज़रूरी है देखना। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या साइट पे जाके आप लोग वहाँ से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना होगा तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग को पढ़ाने जाएंगे यूनिट फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है, वैदिक युग जो है कब से कब तक माना जाता है, ये देखना है हम लोग को। 1168 बीसी से 1500 बीसी तक, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, और 168 बीसी से 368 बीसी तक, कि 600 से 185 बीसी तक, बताइए क्या हो। तो ये होगा बच्चों 1500 से 600 बीसी तक जो है वैदिक युग का आरंभ हुआ था, 1500 से 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब देखिए महाकाव्य काल में एक अछौड़ी सेना कितने अनकिनी सेना की टुकड़ियों को मिलाकर बनती थी, महाकाव्य काल में एक अछौड़ी सेना जो है कितने कितने क्या कितने अनकिनी सेना की टुकड़ियों को मिलाकर बनती थी, ये देखना है हम लोग को। तो ऑप्शन जो है बच्चों क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 10, क्या होगा बताइए, ये होगा 10, क्या होगा बच्चों, 10 जो है सेना की टुकड़ियों को मिलाकर ये महाकाव्य काल में औछड़ी सेना की अनकिनी सेना बनी हुई थी, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह बच्चों, कि महाकाव्य काल में सेना मुख टुकड़ी में कितने सैनिक होते थे, मुख टुकड़ी में कितने सैनिक होते थे, यही पूछ रहा है ना बच्चों। तो देखिए कितने सैनिक होते थे, ए नंबर है 10, बी नंबर 20, सी नंबर 30 और डी नंबर 40। तो क्या होगा बच्चों बताइए, ये जो होगा वो होगा कि महाकाव्य काल में सेना की मुख्य टुकड़ी में कितने सैनिक हुआ करते थे, तो 30, 30 सैनिक हुआ करते थे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए इसी तरह, 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, 10 राजाओं के युद्ध में जो है, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ दशराग युद्ध, क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध को क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध, ठीक है। तो राजा सुदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य, शिवाजी, 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी, तो बता दीजिए बच्चों, तो जो है राजा सुदास, 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, 10 जनों दशराग युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें राजा सुदास जो है विजय प्राप्त किए हुए थे। देखिए नेक्स्ट इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मौर्य काल में कब तक माना जाता है, मौर्य काल में कब तक माना जाता है, क्या 168 बीसी से 368 एडी तक, 600 बीसी से 185 बीसी तक, 800 बीसी से 500 बीसी तक, 185 से 600 एडी तक, कब तक माना जाता है बच्चों, तो 600 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य काल जो है ये माना जाता है, 600 से 185 बीसी। 6 नंबर देखिए इसी तरह क्या है, मौर्य काल सेना को वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था, मौर्य काल में
सेना को जो है वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था, ये पूछ रहा है ना, टका, पण, रुपया, जागीर, बताइए। तो ये दिया जाता था पण में, दिया जाता था बच्चों, किस में दिया जाता था, पण में। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, चतुरंग बल में, चतुरंग बल में कौन कौन सी सेनाएं होती थी, चतुरंग बल में जो है कौन सी सेनाएं हुआ करती थी, मौल बल, भूतक बल, श्रेणी बल, अटवी बल, या बी नंबर पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना एवं गज सेना, सी नंबर पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, तोपखाना, और डी नंबर अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, कौचित सेना, कौन सेना हुआ करती थी बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो वो होगा बी नंबर, पैदल सेना और रथ सेना, अश्व सेवा और गज सेना, ये हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिडा स्पीच लिखा हुआ है, यहां पे होगा हाइडे स्पीच, क्या होगा, हाइडे स्पीच, हिडा स्पीच नहीं होगा, हाइडे स्पीच होगा। हाइडे स्पीच या झेलम की लड़ाई कब लड़ी गई, ये हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था बच्चों कब लड़ी गई थी, यही पूछ रहा है ना 8 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए कब लड़ी गई थी हाइडे स्पीच का युद्ध, सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, हाइडे स्पीच का युद्ध याद रखिएगा आप लोग, सिकंदर और पोरस, पोरस की सेना मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य हाइडे स्पीज या झेलम नदी का तट पर युद्ध हुआ था, ये की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 168 BC, 378 BC, 326 BC, 216 BC, तो ये हुआ था बच्चों 326 BC पूर्व में हुआ था। ठीक है, हाइडे स्पीज या झेलम की लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर बच्चों, इसी तरह 9 नंबर क्या है, झेलम का संग्राम आ गया, क्वेश्चन जो मैंने बताया वो क्वेश्चन आ गया यहाँ, देखिए 9 नंबर पूछ रहा है, झेलम का संग्राम 326 BC किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था, सेनापतियों का नाम पूछ रहा है। ठीक है, पोरस तथा सिकंदर के बीच, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, हैनिबल एवं बैरो के बीच, तो ये लड़ा गया था बच्चों पोरस तथा सिकंदर के बीच, झेलम का संग्राम 326 पूर्व में किन किन सेनापति थे, तो वो थे पोरस तथा सिकंदर। हर्षचरित के रचयिता पूछ रहा, हर्षचरित के रचयिता कौन है बताइए, कालिदास, बाणभट्ट, कौटिल्य, चंद्र बदाई, हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट, हर्ष का जो है वो चरित लिखे हुए थे, हर्ष की जो कथा लिखे हुए थे, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हुए। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत में राजदूत व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, राजदूत व्यवस्था आज भी राजदूत की व्यवस्था है बच्चों, तो वो जो है मौर्य काल से ही ये व्यवस्था चली आ रही है, राजदूत व्यवस्था ये मौर्य काल से ही चली आ रही है। अब देखते हैं बच्चों यूनिट सेकेंड में क्या कर रहा है क्वेश्चन, आचार्य ने, कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है, 2, 4, 6, 8, बताइए आचार्य कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 प्रकार की सेनाओं का, कितने, 6 प्रकार। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सेनापति को कितना वेतन दिया जाता था, सेनापति को कितना वेतन दिया जाता था बताइए, तो ये जो है 48,000 प्रतिवर्ष दिया जाता था, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 48,000 पण प्रतिवर्ष दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए सिर अस्त्राण के किस अंग का सुरक्षात्मक कवच है, ये तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ही कि किसका है, तो ए नंबर ऑप्शन है सिर की सुरक्षा, बी नंबर छाती की सुरक्षा, सी नंबर हाथों की सुरक्षा, डी नंबर जांघों की सुरक्षा, तो ये जो है सुरक्षा, सिर अस्त्राण जो है सिर में पहना जाता था, ये सिर की सुरक्षा के लिए पहना जाता। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, सोमनाथ का संग्राम, कौन सा सोमनाथ का संग्राम जो है कब लड़ा गया था, यही पूछ रहा है ना,
सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया था? 1025 एडी में, 1024 एडी में, 1022 एडी में, 1026 एडी में, बताइए सोमनाथ का संग्राम जो है कब लड़ा गया था? तो 1026 एडी में लड़ा गया था बच्चों, कब लड़ा गया था? 1026 एडी में सोमनाथ का संग्राम। कपाटिक चर और तापस चर किस सैन्य व्यवस्था से संबंधित है? कपाटिक चर और तापस चर पूछ रहा है, ठीक है? तो ये देखिए, गुप्त काल से कि मौर्य काल से, वैदिक काल से कि महाकाव्य काल से, बताइए कपाटिक चर जो है कौन से काल से संबंधित है? तो ये जो है मौर्य काल से संबंधित है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सैन्य व्यवस्था कपाटिक तापस मौर्य काल से। अब 6 नंबर देखिए, इसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो किस काल में लिखा गया है पूछ रहा है। वैदिक काल, महाकाव्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, बताइए। आप लोग के सामने क्वेश्चन है, कौन काल में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था बच्चों, मौर्य काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था? मौर्य काल में। इसी तरह देखते हैं यूनिट 3 का फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल का समय कब तक माना जाता है? क्या पूछ रहा है? गुप्त काल का समय पूछ रहा है कि कब से कब तक है। देखिए यहाँ 600 BC से 1085 BC, 1850 BC से 550 AD, और 168 BC से 378 AD तक, 1500 BC से 600 BC तक। तो कब से कब तक माना गया था बच्चों गुप्त काल? ये माना गया था, बताइए कब से कब तक माना गया था? तो ये जो माना गया था बच्चों, 185 BC से 1885 BC से, कहाँ है ये, 1850 से 550 AD तक माना गया था। गुप्त काल का समय कब से कब तक माना गया था? तो 1850 BC से 550 AD तक, ठीक है। तराइन का प्रथम संग्राम कब लड़ा गया? कब लड़ा गया तराइन का युद्ध? 326 ईसा पूर्व, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और द्वितीय तराइन का युद्ध जो हुआ था वो जो हुआ था बच्चों 1192 में। कब हुआ था? 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय संग्राम कब हुआ ये पूछ रहा है। 326 ईसा पूर्व, 1191 ईसा पूर्व, 1192 ईसा पूर्व, 1526 ईसा पूर्व। तो अभी मैंने बताया कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वो हुआ 1192 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह क्या कह रहा है। तराइन के संग्राम, तराइन के संग्रामों दोनों पक्षों के सेनापतियों के नाम बताइए। दोनों पक्ष के सेनापति का नाम पूछ रहा है। पोरस तथा सिकंदर था कि मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान था, इब्राहिम लोदी तथा बाबर था, राणा प्रताप तथा अकबर था। तो तराइन के संग्राम जो हुए थे वो किसके किसके बीच हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। द्वितीय युद्ध भी हुआ था, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और सेकेंड युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में मारा गया, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 4 जो है, इसी प्रकार जो है यूनिट 4 देखिए क्या कह रहा है। यूनिट 4 देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा यूनिट 4 क्या कह रहा है। मुगल काल के तोप खाने के प्रधान को क्या कहते हैं? मुगल काल का जो तोप खाना था उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी, मीर बहारी, मीर आतिश, बख्शी उल ममालिक, बताइए क्या होगा। मुगल काल का जो तोप खाना था वो मीर आतिश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मीर आतिश। तोप खाने का जो मेन होता था उसको क्या बोलते थे? मीर आतिश, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सेकेंड नंबर इसी तरह है, मुगल काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष है उसे क्या कहते हैं? ये है मीर बख्शी, मीर आतिश, मीर बाहरी, और 5000 हजारी मनसबदार। क्या था बच्चों? सेकेंड नंबर जो है वो मीर बख्शी था। सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मीर बख्शी। थर्ड नंबर देखिए इसी तरह, मुगल काल में मीर बाहरी किस सेना का प्रधान होता था? किस सेना का प्रधान होता था मीर बाहरी पूछ रहा है। पैदल सेना, नौ सेना, तोप खाना, गज सेना, बताइए
किस सेना का प्रधान मीर बाहरी हुआ करता था, यही पूछ रहा ना। तो मीर बाहरी जो है नौ सेना का प्रधान हुआ करता था मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल में हर सेना का विभाग बांटा गया था और हर सेना का अलग अलग जो है विभाग था, उसी में जो है अलग अलग उसका प्रतिनिधित्व करने वाला था। 4 नंबर देखिए, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ, 1192 AD में, 1526 ईस्वी AD में, 1576 AD में, कि 1527 AD, बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था बच्चों 1526 AD में पानीपत का संग्राम हुआ था, फर्स्ट संग्राम पानीपत का 1526 AD में हुआ था। देखिए यहाँ पानीपत के प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था, किन किन सेनापतियों, पोरस तथा सिकंदर, ये तो नहीं होगा, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, और सी नंबर इब्राहिम लोदी तथा बाबर, और बाबर तथा राणा सांगा। तो ये जो होगा इब्राहिम लोदी और बाबर होगा, यही पानीपत का प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में जो है लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच लड़ा गया था। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन शासकों के बीच पूछ रहा है, किन किन शासकों के साथ लड़ा गया द्वितीय युद्ध, अकबर तथा राणा प्रताप, अकबर तथा हेमू, शेरशाह सूरी तथा हुमायूं, अकबर और दुर्गावती। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था बच्चों। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, और द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था, ठीक है, इसी तरह पूछ रहा है पानीपत का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था, ये देखिए 1504 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए बताइए द्वितीय संग्राम जो है कब लड़ा गया था पानीपत का, यही पूछ रहा है। तो ये जो लड़ा गया था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था बच्चों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध पूछ रहा है, खानवा का युद्ध, तो खानवा का संग्राम कब लड़ा गया था बताइए, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, और 1192 ईस्वी में, इस तरह जो है 1527 ईस्वी में ये लड़ा गया था। तो अब देखिए आप इस तरह जो है हम एक फॉर्मूला ट्रिक टाइप का बनाते हैं कि पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है, और खानवा का युद्ध, इस तरह सभी युद्ध याद हो जाएंगे, तीन चार युद्ध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, घर गया, घर गया। तो पानी पिया से क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी का प्रथम युद्ध हो जाएगा, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये जो खाना खाया हो जाएगा बच्चों, ये घाघरा का युद्ध हो जाएगा, घाघरा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है अभी मैंने लिखा कि पानी पिया, खाना खाया, तो ये खानवा का युद्ध हो जाएगा, ठीक है, खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। अब घर गया से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये हो जाएगा पानी पिया से 1526, ये खानवा का युद्ध 1527, ठीक है, और घाघरा का युद्ध 1528, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब।
पानी पिया, खाना खाया, घर गया, ये 15, 26, 27, 28 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि खानवा के संग्राम 1527 ईस्वी के दोनों पक्षों के सेनापतियों का नाम बताइए। तो पानी पिया, खाना खाया, घर गया इस तरह, ठीक है, तो 26, 27, 28 इस तरह हो जाएगा। तो 27 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था, खाना खाया था, संग्राम जो किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर तथा राणा सांगा के बीच और राणा प्रताप तथा अकबर के बीच। बताइए खानवा का युद्ध जो हुआ था वो किनके किनके बीच हुआ था, यही पूछ रहा है ना, खानवा का संग्राम जो है किनके किनके बीच हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, अब देखिए यहाँ हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में विरोधी पक्षों को कौन कौन से सेनापति थे। हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी 1576 ईस्वी में विरोधी पक्षों को कौन कौन सेनापति थे, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर तथा राणा सांगा। ठीक है, इसी तरह जो है ध्यान दीजिएगा आगे देखिए कि राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह अकबर की सेना थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में बाबर और किनके बीच हुआ था, बताइए, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था बच्चों। ठीक है, देखिए राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह अकबर की सेना थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह अकबर की सेना थी, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। 11 नंबर देखिए, इसी तरह 11 नंबर क्या है, 11 नंबर बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था, सोमनाथ के टेंपल पर किसने आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद गजनवी, हुमायूं। तो ये महमूद गजनवी जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके बहुत सारा दिनार लूट के और अपने देश गजनी चला गया। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी था 11 नंबर, सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो कौन था, महमूद गजनवी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मराठा 5 नंबर, मराठा काल में अश्वरोही सैनिक कितने प्रकार के होते थे, अश्वरोही सैनिक जो होते थे मराठा काल में वो कितने प्रकार के होते थे, 1, 2, 3, 5। तो मराठा में अश्वरोही सैनिक जो होते थे वो 2 प्रकार के हुआ करते थे, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई पूछ रहा है ना, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है का वर्ष बताइए, 1526 AD, 1527 AD, 1576 AD, 1757 AD। तो ये 1576 AD में बच्चों जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, क्या पूछ रहा है, तीसरी लड़ाई जो है पानीपत की कब लड़ी गई थी, ये पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो अब देखिए 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पानीपत का तृतीय संग्राम 1761 ईस्वी किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था। अब सेनापति का नाम पूछ रहा है कि किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था। देखिए यहाँ बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब देखिएगा बाबर तथा राणा सांगा, बाबर तथा राणा सांगा, दौलत राव सिंधिया तथा लॉर्ड डलहौजी की, भाऊ साहब मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया और इसी युद्ध से जो है पूरी देश पर जो है क्या हो गई, मुगल की स्थापत्य हो गई। ये भाऊ साहब मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये होगा पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किस सेना को पराजित किया था, ये पूछ रहा है, किस सेना को पराजित किया था, सिख सेना, राजपूत सेना, मराठा सेना, अंग्रेज सेना, अभी पढ़ाया मैंने, तो क्या हो जाएगा, मराठा सेना को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने तीसरे युद्ध में पानीपत के मराठा सेना को जो है पराजित किया था। अब देखिए मारो और भागो पद्धति का जनक कौन था, मारो और
भागो पद्धति का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? देखिए यहाँ, मारो और भागो पद्धति का जनक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, हर्षवर्धन, शिवाजी, बताइए। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि छापमार युद्ध कौन लड़ता था? शिवाजी। छुप के युद्ध लड़ते थे, ये अटैक करो, अचानक अटैक करो और छिप जाओ, फिर अचानक अटैक करो और छिप जाओ। ये छापमार युद्ध जो है, मारो और भागो, शिवाजी लड़ा करते थे, ठीक है? मराठा लोग ऐसे ही युद्ध लड़ा करते थे, ठीक है? तो बहुत सारी सेना को पराजित कर देते थे, इस तरह चौकन्ना कर देते थे अचानक युद्ध करके, ठीक है? अब देखिए यहाँ यूनिट 6 जो है, देखते हैं सोराओं का संग्राम कब हुआ था? कौन संग्राम? सोराओं का संग्राम पूछ रहा है ना बच्चों, कि सोराओं का संग्राम जो हुआ था वो कब हुआ था, यही पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ 1576 AD, 1757 AD, 1803 AD, 1846 AD, तो ये हो जाएगा सोराओं का संग्राम बच्चों 1846 AD में। कब लड़ा गया था? 1846 AD में जो है सोराओं का संग्राम लड़ा गया था, ठीक है? अब देखिए यहाँ सोराओं की लड़ाई 1846 ईस्वी, दोनों पक्षों के सेनापति कौन थे? दोनों पक्षों के सेनापति का नाम पूछ रहा है कि इनके सेनापति कौन थे। अब देखिए यहाँ कि कौन कौन थे सेनापति बच्चों, बताइए। सोराओं के संग्राम में राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह, बाबर तथा राणा सांगा, दौलत राव सिंधिया तथा लॉर्ड वेलेस्ली, तेज सिंह सिख सेना तथा लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना, बताइए। तो सोराओं की लड़ाई जो है 1846 ईस्वी में दोनों पक्षों के सेनापति जो थे वो कौन थे? तेज सिंह सिख सेना तथा लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना, याद रख लीजिएगा, ठीक है? सोराओं की लड़ाई 1846 ईस्वी में तेज सिंह और सिख सेना के और लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना के हुआ करता। दल खालसा किस सैन्य पद्धति से संबंधित है? खालसा दल किस सैन्य पद्धति से संबंधित है, ये तो सभी बता देंगे, बताइए। मुगल, मराठा, सिख, तुर्क, तो बताइए। खालसा दल जो संबंधित थे वो संबंधित थे सिख सेना से, किससे संबंधित थे? सिख सेना से बच्चों। सिख सेना का सबसे बड़ा नेता कौन था? सिख सेना का जो नेता था वो सबसे बड़ा कौन था, ये पूछ रहा ना। रणजीत सिंह, शक्ति सिंह, मान सिंह, जयचंद्र, तो सिख सेना का सबसे बड़ा जो नेता था वो कौन था, बताइए। 4 नंबर, तो ये था रणजीत सिंह। कौन था बच्चों? रणजीत सिंह थे, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो ये जो है PDF फाइल, इसका साइट पर जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या है बच्चों? VVI क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से जो है इसको वीडियो देख लीजिएगा, और इसमें से श्योरली है कि पूछेगा, इसमें से श्योरली है कि पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ध्यान से ये वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वेरी